खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, शाम के 6:30 बजे एबीपी न्यूज पर पंचनामा के साथ हाजिर हैं हम पांच एंकर। पंचनामा में आज आपको बताएंगे प्रियंका गांधी के राजनीति में आने से देश की सियासत किस तरीके से बदल सकती है। प्रियंका पर पहला सर्वे दिखाएंगे आपको। इसके अलावा दिखाएंगे आपको प्रधानमंत्री ने क्यों कहा ममता बनर्जी चाय वालों से चिढ़ती है। और जहरीली शराब ने देश के किन दो राज्यों में मचाया कहर, बहुत परेशान करने वाली खबर है, आगे आपको बताएंगे। और मुजफ्फरनगर के कवाल कांड में दोषियों को क्या सजा मिली, ये खबर भी बताएंगे। तो आइए पंचनामा की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। राफेल पर आर पार के मूड में राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज रक्षा मंत्रालय के एक दस्तावेज का हवाला देते हुए ये आरोप लगाया कि राफेल सौदे में प्रधानमंत्री मोदी सीधे शामिल थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रधानमंत्री मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। रक्षा मंत्रालय के एक दस्तावेज का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पीएम राफेल सौदे को लेकर सीधे फ्रांस से बात कर रहे थे और इस पर रक्षा मंत्रालय ने आपत्ति जताई थी कि वायुसेना डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग कहते हैं और यहाँ उनका डॉक्यूमेंट है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री फ्रांस के साथ पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा है और अगर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमारी नेगोशिएटिंग टीम से खुश नहीं है तो वो अपनी नेगोशिएटिंग टीम के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन। राहुल के आरोपों के बाद उस वक्त रक्षा सचिव रहे जी मोहन कुमार ने सफाई दी कि उनके नोट का राफेल की कीमतों से कोई लेना देना नहीं था। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की जिसमें राहुल गांधी ने आरोप लगाया और इस पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सदन में जवाब दिया। राहुल गांधी के आरोपों को लेकर आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बीच रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि रक्षा मंत्रालय के जिस नोट का जिक्र किया जा रहा है उस पर तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने जवाब भी दिया था लेकिन उस जवाब को नहीं दिखाया जा रहा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि पर्रिकर ने रक्षा सचिव की आपत्तियों पर जवाब देते हुए कहा था कि इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। रक्षा मंत्री, तब के रक्षा मंत्री का जवाब क्या था? आपके नोट ठीक है मगर इसमें इतना उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है, आप शांत रहो, सब ठीक ठाक चल रही है। ये था श्री पर्रिकर जी का जवाब जो उस फाइल नोटिंग, डिफेंस सेक्रेटरी का फाइल नोटिंग का जवाब था। चलिए आगे बढ़े, आज की एक और बड़ी खबर जान लीजिए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में आज मोदी ने ममता सरकार पर सीधा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने जलपाईगुड़ी में 1938 करोड़ रुपए की नेशनल हाईवे परियोजना की आधारशिला रखी और कलकत्ता हाई कोर्ट के नए सर्किट बेंच का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि जलपाईगुड़ी से उनका पुराना रिश्ता है क्योंकि यहां लोग चाय उगाने वाले हैं और वो चाय बनाने वाले। यहां की चाय देश और दुनिया बड़े चाव से पीती है। चाय वालों से दीदी को इतनी चीड़ क्यों है? पीएम ने शारदा घोटाले का जिक्र कर ममता सरकार पर भी हमला बोला, साथ ही राहुल गांधी को मिस्टर वाड्रा के साले साहिब कहकर उन पर आरोप मढ़े। कांग्रेस के नेता लगातार बोल रहे हैं कि बंगाल में अराजकता है, भ्रष्टाचारियों और गुंडों का राज है, लेकिन दिल्ली में उनके मिस्टर वाड्रा के साले साहब की में है। ममता बनर्जी और राहुल गांधी पर निशाना साधते पीएम मोदी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामकृष्ण कुसुमारिया आज कांग्रेस में शामिल हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज भोपाल में आभार रैली को संबोधित किया। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राहुल की मध्य प्रदेश में ये पहली आम सभा थी जिसमें उन्होंने चुनाव जीतने के लिए लोगों का आभार जताया। आज बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामकृष्ण कुसमारिया ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। विधानसभा चुनाव के दौरान रामकृष्ण कुसमारिया ने बीजेपी से बगावत कर चुनाव लड़ा था। कुसमारिया 4 बार सांसद और मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री रहे हैं। और अब बात प्रियंका गांधी पर पहले सर्वे की। प्रियंका गांधी के कांग्रेस महासचिव बनाए जाने के बाद से देश की सियासत में हलचल मची हुई है। एबीपी न्यूज ने प्रियंका को लेकर देश का पहला सर्वे कर ये जानने की कोशिश की आखिर उनकी मौजूदगी से राजनीति कौन सी करवट लेगी। एबीपी न्यूज और सी वोटर के सर्वे में पहला सवाल ये पूछा गया कि प्रियंका के आने से कांग्रेस को कहां फायदा होगा। इसके जवाब में 50% लोगों ने कहा कि देश भर में फायदा होगा। 18% का जवाब था यूपी,
और 24% लोगों का मानना है कि प्रियंका के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा सवाल, प्रियंका किसका नुकसान करेंगी? 52% लोगों ने माना बीजेपी, 32% ने कहा महागठबंधन और 8% लोगों का मानना है कि किसी का नुकसान नहीं होगा। सर्वे में पूछा गया कि क्या मुकाबला त्रिकोणीय होने से बीजेपी को फायदा होगा। 44% लोगों ने कहा हाँ, 51% लोगों का जवाब था नहीं, पता नहीं कहने वाले थे 5%। एबीपी न्यूज ने एक और सवाल पर लोगों की राय जानी कि क्या प्रियंका पर कमेंट से बीजेपी को नुकसान होगा। 71% लोगों ने कहा हाँ, 23% लोगों ने कहा नहीं, जबकि पता नहीं कहने वाले थे 6%। तो एक तरफ प्रियंका गांधी राजनीति में अपनी पारी की शुरुआत कर चुकी है, वहीं दूसरी ओर उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ईडी के सवालों के घेरे में है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा से शनिवार को फिर पूछताछ होगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा से ईडी अब तक 16 घंटे की पूछताछ कर चुका है। बुधवार को 6 घंटे और गुरुवार को करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद शनिवार को उन्हें फिर बुलाया गया है। दिल्ली की एक अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को 16 फरवरी तक गिरफ्तारी से मोहलत दी थी, लेकिन साथ ही ईडी के सवालों का सामना करने को कहा था। ईडी के 3 वरिष्ठ अधिकारियों की टीम रॉबर्ट वाड्रा से इस मामले में पूछताछ कर रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पहली बार वाड्रा केस का जिक्र किया। जितना आप इंक्वायरी कराना चाहते हैं आप करिए, आप कानून को लागू करिए, आप रॉबर्ट वाड्रा पे, आप चिदंबरम पे, आप सब पे कानून चलाइए, नो प्रॉब्लम, मगर आप राफेल मामले पे भी जवाब दीजिए। तो वाड्रा से अब कल फिर से सवाल जवाब होगा। वहीं आईएनएक्स मीडिया मामले में आज प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से पूछताछ की। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूछताछ के लिए आज पूर्व वित्त मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ईडी दफ्तर पहुंचे। आरोप है कि चिदंबरम ने वित्त मंत्री रहते आईएनएक्स मीडिया समूह को विदेशों से रकम हासिल करने के लिए जो मंजूरी दी उसमें अनियमितताएं हुई। इस मंजूरी के एवज में चिदंबरम के बेटे कार्ती पर घूस लेने का आरोप है। गुरुवार को आईएनएक्स मीडिया मामले में उनसे भी ईडी ने 6 घंटे की पूछताछ की थी। किसी से पूछताछ हुई और किसी से होनी है। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए सीबीआई ने बड़ी टीम तैयार की है। सीबीआई की टीम ने शिलांग में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर से पूछताछ की पुख्ता तैयारी की है। राजीव कुमार से पूछताछ के लिए 10 अतिरिक्त सीबीआई के अधिकारियों को लगाया गया है। दिल्ली, लखनऊ और भोपाल के 10 सीबीआई अधिकारी कोलकाता पहुंच चुके हैं। सीबीआई की टीम आज ही शिलांग पहुंचेगी, जहां शनिवार को राजीव कुमार से पूछताछ की जाएगी। सीबीआई राजीव से शारदा हेडक्वार्टर से जब्त लाल डायरी के बारे में पूछताछ कर सकती है। सुदीप्तो सेन के पास से जब्त मोबाइल फोन और लैपटॉप के बारे में भी पूछा जा सकता है। और अगली खबर मायावती से जुड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को मूर्तियों के मामले में तगड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के मुख्यमंत्री रहते यूपी में बनी उनकी और हाथियों के मूर्तियों के मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि पहली नजर में हमारा यही मत है कि मायावती को सरकारी खजाने का पैसा वापस करना चाहिए। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने किया। फैसला याचिकाकर्ता रविकांत की याचिका को लेकर सुना है, जिसमें याचिकाकर्ता ने कहा था कि सार्वजनिक धन का प्रयोग अपनी मूर्तियां बनवाने और राजनीतिक दल का प्रचार करने के लिए नहीं किया जा सकता। मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। मैटर के शुरू में ही कोर्ट ने बहुत ही सख्ती से कोर्ट ने सुश्री मायावती के वकील को कहा है कि आपको ये फंड, जो पैसे है जो आपने खर्च करे हैं, ये आपको लौटाना पड़ेगा। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट से मायावती को झटका लगा है, वहीं बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा, अब उन्हें सरकारी बंगला खाली करना होगा। सरकारी बंगला न छोड़ने पर अड़े तेजस्वी यादव की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। तेजस्वी ने पटना हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री रहते पटना के 5 देश रत्न मार्ग का बंगला मिला था। आज सुप्रीम कोर्ट ने समय बर्बाद करने के लिए तेजस्वी पर 50,000 का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट की फटकार के बाद विपक्ष अब तेजस्वी को आड़े हाथों ले रहा है। हाई कोर्ट ने कहा खाली कर दीजिए, उन्होंने खाली नहीं किया। सिंगल बेंच ने कहा खाली कर दीजिए, खाली नहीं किया। डबल बेंच ने कहा खाली कर दीजिए, खाली नहीं किया। और फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, यानी बंगले से कितना प्यार है। बिहार के बाद अब रुक करेंगे कर्नाटक की सियासत का, जहां मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने यह आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश में जुटी है। कर्नाटक में जारी सियासी उठापटक के बीच मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने 2 ऑडियो क्लिप जारी किए, जिनमें बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा और जेडीएस विधायक नागन गौड़ा के बेटे की बातचीत है।
कुमारस्वामी के आरोपों के मुताबिक बीजेपी जेडीएस विधायक नागन गौड़ा को लुभाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम की जानकारी के बगैर ऐसा करना संभव नहीं है। येदियुरप्पा ने कुमारस्वामी के आरोपों को गलत बताया। और सियासी खबरों से अलग दिन की कुछ और बड़ी खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में स्वाइन फ्लू का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या सेंचुरी पार कर चुकी है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्वाइन फ्लू के 103 नए केस सामने आए हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई। दिल्ली में स्वाइन फ्लू से बीमार हुए लोगों का आंकड़ा 1196 पहुंच गया। डीजीएसएस की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2019 में अब तक स्वाइन फ्लू की वजह से 6 मौतें हो चुकी हैं। स्वाइन फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने हेल्थ एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा है। स्वाइन फ्लू से बचाव के तरीके भी जान लीजिए। बाहर जाते समय मुंह को कपड़े या मास्क से ढकें। समय समय पर अपने हाथ धोते रहें। भीड़ भाड़ में जाने से बचें। सफाई का खास ध्यान रखें। सार्वजनिक जगहों पर खांसने और थूकने से बचें। पंचनामा में कोशिश हम करते हैं दिन भर की हर खबर समेट कर आपके लिए लेकर आए। देखिए, जम्मू कश्मीर के जवाहर सुरंग के पास हिमस्खलन के कारण लापता पुलिसकर्मियों में से कुछ की जान बचा ली गई। बताया जा रहा है कि रेस्क्यू के दौरान 4 पुलिसकर्मियों को बचा लिया गया है। एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई है, बाकी पुलिसकर्मियों की तलाश अभी भी जारी है। बनिहाल और काजीकुंड के बीच जवाहर सुरंग के पास हिमस्खलन में लापता हुए थे पुलिसकर्मी। कश्मीर की बर्फबारी ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया। लोग घरों के अंदर कैद हो गए। कुलगाम में 78 परिवारों को सुरक्षित जगह पर भेजा गया है। कश्मीर में कई जगह 6 इंच तक बर्फबारी जमी हुई है। राजौरी में भी पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। श्रीनगर की बर्फबारी देखी आपने। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। कुलगाम में ताजा बर्फबारी के बाद कुछ ऐसे हालात हैं। यहां 6 फीट तक बर्फ जमी हुई है। भारी बर्फबारी और हिमस्खलन को देखते हुए जम्मू श्रीनगर हाईवे कई दिन से बंद है। उधर शिमला में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। यहां घूमने आए सैलानी जमकर बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। पहले देखा बर्फबारी? नहीं, पहले कभी नहीं देखी थी, आज पहली बार देखी, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ज्यादा हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। बर्फबारी की वजह से शिमला के ऊपरी इलाकों में खाने पीने के सामान की सप्लाई नहीं हो पा रही है। उत्तराखंड के जोशीमठ में गाड़ियां बर्फ की चादर में लिपटी दिख रही हैं। घर बर्फ से छुप गए हैं। रास्ते से बर्फ हटाने का काम जारी है। तो पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ है, बाकी के देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल जानने के लिए सीधा चलते हैं मौसम सेंटर मेरी सहयोगी भूमिका के पास। नमस्कार, मैं हूँ भूमिका और आप देख रहे हैं स्काईमेट वेदर रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में चल रही बारिश और बर्फबारी में काफी कमी देखने को मिली। हालांकि उत्तराखंड और हिमाचल में कुछ स्थानों पर स्नोफॉल और बारिश जारी रही। कल यानी 9 फरवरी को ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल के कई स्थानों में तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली सहित नॉर्थ इंडिया में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे पारा और गिरेगा। आज के लिए स्काईमेट वेदर रिपोर्ट में इतना ही। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में फ्रिज में धमाका होने से 14 बच्चे झुलस गए। घटना मुजफ्फरनगर के इस्लामिया मदरसे की है, जहां एक गलती के कारण 14 बच्चों की जान आफत में आ गई। बच्चे जलती हुई मोमबत्ती फ्रिज पर रखकर सो गए थे। मोमबत्ती के कारण फ्रिज ने आग पकड़ ली और फिर उसके बाद मदरसे में जबरदस्त धमाका हुआ। धमाके की आवाज़ सुनकर लोगों ने पुलिस को फोन किया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बच्चों को मदरसे से निकाल कर अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने 10 बच्चों की हालत गंभीर होने के कारण मेरठ रेफर कर दिया। बाकी 4 बच्चों को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।